दोस्तों यहाँ पर जो है फाइनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन को लेकर जो आपका विंडो यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है, आप यहाँ पे देख पाएंगे हम आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर जो आप देख पाएंगे रीअप्लाई। तो इस वीडियो में दोस्तों कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो है आपको यहाँ पे बताएंगे कि आपको किस प्रकार जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन यहाँ पे करना है, और यहाँ पर जो है दोस्तों आप जो है कौन कौन सी डिटेल में जो है करेक्शन यहाँ पे कर पाएंगे। साथ ही जो आपका पेमेंट जो है करेक्शन चार्जेस जो है दोस्तों आपको बता दें आपका 200 यहाँ पे रहने वाला है। तो इस वीडियो में जो है दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो दोस्तों अगर हमारा काम समझाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको बताया था कि आपका जो है विंडो यहाँ पे लेट तक एक्टिवेट नहीं किया गया था, और अब जो है फाइनली आप जो है जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आप जो है देख पाएंगे कि आपका रीअप्लाई का जो है ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है रीअप्लाई करने के लिए आपको सिंपली जो है यहाँ पे आना है। तो दोस्तों जैसे ही रीअप्लाई पे आप यहाँ पे आएंगे आप जो है यहाँ पे देख पाएंगे आपको जो है इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। तो करेक्शन को लेकर जो है आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ये जो आपको दोस्तों रीड आउट यहाँ पे कर लेना है, जिसमें जो है दोस्तों बात करें आप सिंपली यहाँ पे देख पाएंगे आपको जो है 3 से लेकर 4 अक्टूबर यानी कि जो है दोस्तों 2 दिन का टाइम ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। और इसमें जो है बात करें एक कैंडिडेट जो है दोस्तों 2 टाइम जो है आप करेक्शन यहाँ पे कर पाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। और इसके लिए जो है दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका फर्स्ट करेक्शन के लिए 200 करेक्शन चार्जेज, और सेकंड टाइम भी जो है दोस्तों आप फिर से यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं तो आप जो है यहाँ पे देख पाएंगे आपका 500 रुपये जो है करेक्शन चार्जेज यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद जो है दोस्तों बात करें सिंपली आप जो है जैसे नीचे यहाँ पे आएंगे इसके बाद जो आप देख पाएंगे कि आपको करेक्शन चार्जेज जो है ऑनलाइन ही यहाँ पे करना है, और ये जो आपका नॉट रिफंडेबल यहाँ पे रहने वाला है। और जिन भी दोस्तों का यहाँ पे डाउट रहता है कि सर हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन जो है सक्सेसफुली नहीं होता है तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, तो उस केस में जो है दोस्तों आपको बता देंगे अगर जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो दोस्तों पेमेंट या किसी भी प्रॉब्लम के कारण आपका सक्सेस यहाँ पे नहीं हो पाता है तो आपका जो है दोस्तों फाइनली जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर जो आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो आपका जो है दोस्तों जो करेक्टेड न्यू फॉर्म आप यहाँ पे फिल करेंगे वही आपका जो है एक्सेप्ट यहाँ पे कर लिया जाएगा। और इसके लिए जो है दोस्तों आप सिंपली जो है आपको आई डिक्लेयर पे यहाँ पे टैप करना है। इसके बाद जो है रीअप्लाई पे जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर जो आपको ये मैसेज जो है दोस्तों पॉपअप होकर देखने को मिल जाएगा कि ये जो है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो है करेक्शन को लेकर यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पर जो दोस्तों जैसे रीअप्लाई पे आप यहाँ पे आएंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका न्यू फॉर्म जो है एक तरह से ओपन होकर आ जाएगा, और इसमें जो है दोस्तों जो भी आपको जो है करेक्शन यहाँ पे करना है वो जो है जिस भी डिटेल में आपने जो है दोस्तों मिस्टेक यहाँ पे की है आप जो है फिर से यहाँ पे फिल कर पाएंगे। और इसके लिए जो आपको बता देंगे दोस्तों आप जो है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में जो है दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पे जो है मिस्टेक ना करें, क्योंकि इसी वजह से जो है मैक्सिमम कैंडिडेट के जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और यहाँ पर जो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। और बात करें दोस्तों आपका जो है जैसे ही करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो इसके बाद जो आपको करेक्शन पेमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे करना है, इसके बाद ही जो आपका करेक्शन जो है दोस्तों कंप्लीट यहाँ पे माना जाएगा। बाकी जो है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।